हरे कृष्णा गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सबके सब बढ़िया होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि मिड टर्म का एग्जाम के रिजल्ट कब आएगा, आपको वो वीडियो कब आएगी जिसमें आप अनसोशल दिखाओगे। सो गाइस, हियर इट इज़, फाइनली आई एम रिवीलिंग माय मिड टर्म एग्जाम्स के मार्क्स एंड साथ में मैं अपनी इसी वीडियो में अनसोशल्स भी दिखाने वाला हूँ सभी सब्जेक्ट की। सो गाइस, मैं पहले बता देता हूँ, मैं एक डमी स्टूडेंट हूँ, आई एम CBSE 12th ग्रेडर। मैं नॉन अटेंडिंग हूँ स्कूल से एंड ऑल्सो प्रिपेरिंग फॉर नीट 2025। एंड इस चैनल पर मैं स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट और लाइफ स्टाइल रूटीन ब्लॉग्स डालता हूँ। सो आप लोग कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉर रिलेटेबल कंटेंट। एंड मैंने एक लोकल कोचिंग के ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी फॉर माय सब्जेक्टिव एग्जाम्स की प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज भाई 2 साल का गैप हो जाता है 10th के बाद, 11th और 12th अगर कोई भी नॉन अटेंडिंग हो, तो एकदम मैं डायरेक्ट सब्जेक्टिव मार्क्स का पेपर देने जाता बोर्ड एग्जाम में। सो डेफिनेटली मुझे पता था मुझे प्रॉब्लम फेस होनी थी टाइम मैनेजमेंट की, दैट्स व्हाई मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है फॉर माय टेस्ट सीरीज। एंड जो मेरे एग्जाम्स थे वो ना ज़्यादा हार्ड थे ना ज़्यादा ईजी थे, मॉडरेट थे। फिजिक्स में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, बट हाँ और लाइक सब्जेक्ट्स के ऐसे क्वेश्चन थे जो जिस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले कर चुका था अपने क्वेश्चन बैंक वगैरह से। एंड मोस्टली क्वेश्चन ऐसे थे जो NCERT बेस्ड आए हुए थे इंग्लिश और केमिस्ट्री में, एंड बायो का तो यार देखो NCERT पढ़ रखे सो ऑफकोर्स हो ही जाएंगे। सो आगे मैंने दिखाया है अपना सारा सब कुछ राइटिंग पे, प्लीज़ भाई जज मत करना बिकॉज टाइम मैनेजमेंट की मुझे हर एग्जाम में दिक्कत हुई है, बट यार यहीं पर प्रैक्टिस होकर ये चीज़ सही हो जाएगी, बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के साथ मुझे फेस नहीं करना पड़ेगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके हेलो गाइस, अभी मैं बारी बारी आप लोगों को अपनी शीट्स दिखाऊंगा सब्जेक्ट वाइज। तो शीट्स आप लोग स्क्रीन पे देख लोगे, मैं अपनी मिस्टेक्स वॉइस ओवर में आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले तो भाई इंग्लिश में मुझे पैसेज में प्रॉब्लम आई थी, दूसरे वाला तो सही था सो वो सारा सही हो गया था। अगली चीज़ आती है इन्विटेशन में, इन्विटेशन मुझे पेपर में जाके पता चला था कि इन्विटेशन भी आने वाला है, बिकॉज उससे पहले मैंने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करा था इन्विटेशन, बट फिर भी मैंने लगभग कर दिया आइडिया लगा के। सो उसमें मेरा हाफ मार्क्स कट हो गया था। अगली चीज़, मेरा हाफ मार्क्स कटा हुआ है लेटर टू एडिटर में, ये मुझे समझ नहीं आया कहाँ पर कटा है, बिकॉज 10th से भाई लेटर टू एडिटर रहे हैं। अगली चीज, मुझे एक्सट्रैक्ट की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज एक्सट्रैक्ट की मैंने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करी थी हाफ ईयरली का पेपर देने से पहले। और फिर मुझे वैसे तो मैंने ना इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने लर्न कर रखे थे NCERT बेस्ड, तो मैंने NCERT की लाइन ही यूज करी थी, बट फिर भी लाइक NCERT की लाइन में थोड़ा ही बन रहा था वो क्वेश्चन, तो मुझे अभी थोड़ा फोकस करना है कि मैं उन क्वेश्चन को 2 नंबर के हिसाब से लिख दूँ, जैसे मुझे पूरे मिल जाए, 1 या 1.5 नंबर ना मिले क्वेश्चन में। और सेम एस 5 नंबर वाले क्वेश्चन मेरे आते थे बट टाइम नहीं मिला मुझे, दैट्स व्हाई मेरे वो हाफ ऑफ क्वेश्चन रह गए। सो इंग्लिश में मुझे मिला भाई 17.5 out of 80। एंड सेम एज बायोलॉजी में, बायोलॉजी में मुझे फोकस करना है भाई लाइक अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं 3-3 मार्क्स वाले, कि कम से कम जो 3 नंबर वाला है 3 नंबर में मैं 3 पॉइंट तो याद करूँ, साथ में 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी याद करूँ। अगर 4-5 मैं पॉइंट लिख के आऊँ 3 नंबर वाले में, अगर 2 गलत भी हो जाए कम से कम 3 तो सही निकले, बिकॉज मैं इस वाले पेपर में 3 नंबर का है तो मैं 3 ही पॉइंट लिख के आया था। सो यार बायोलॉजी मुझे इसमें फोकस करना है। और बायोलॉजी में मुझे मिला भाई 63 out of 70 मार्क्स। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोकस करना है, और फिजिकल केमिस्ट्री मेरी मोस्टली सारी सही थी, MCQ भी न्यूमेरिकल्स भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं डायग्राम्स वगैरह बनाने में और साथ में उनकी लाइक लेबलिंग करने में कि कौन सा क्या है ये सारी चीज़ें, तो केमिस्ट्री में मुझे मिला है 64 out of 70। अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करे थे या तो जो मेरे पास बुक है डॉक्टर वीके शर्मा की वहाँ से, या फिर जो माई CBSE ऐप है ना जो मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा, आप लोगों को पता होगा जो रेगुलर व्यूअर है वहाँ से। तो वहाँ से अगर मैं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना लाइक मोस्टली क्वेश्चन सेम ही आए हुए थे, बस लैंग्वेज थोड़ा सा मॉडिफाई हो रखी थी, अदरवाइज आंसर वही था एंड क्वेश्चन भी वही था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर रखी थी। सो फिजिकल एजुकेशन मैंने स्कोर कराया 63। एंड बात करें फिजिक्स की, सो फिजिक्स में भाई आई स्कोर 56.5। आई नो बहुत कम है भाई, नेक्स्ट टाइम आई विल इंप्रूव टर्म 2 जो भी होंगे मेरे PA 2 उसमें, बट अब क्या ही करें भाई, मैं अपनी तरफ से फिजिक्स में बेस्ट दे रहा हूँ बट प्रॉब्लम हो ही जाती है कहीं ना कहीं। कुछ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो वहाँ पर भी मेरे हाफ हाफ मार्क्स कट हो रखे, लाइक EF लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो बोले बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना होता है, सो ऐसे मार्क्स कट गए। तो फिजिक्स में स्कोर 56.5। ओके गाइस, अभी मैं एक बार फटाफट टोटलिंग कर लूँ, देन आप लोगों को मैं अपनी परसेंटेज बताता हूँ और टोटल मार्क्स। सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन में 30-30 मार्क्स करके मैंने ऐड कर लिए हैं और अपनी शीट्स पे लिख लिए हैं टोटल, और इंग्लिश में 20 मार्क्स ऐड कर लिए हैं जो भी है। सो अभी मैं एक बार इनका फटाफट टोटल करता हूँ टैब पे। 90 96 96 94 457। सो गाइस मेरे बनते हैं टोटल 457 out of 500। आई विश इससे ज़्यादा ही बने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सो अभी बार मैं 457 का निकालता हूँ, 457 / 500 / 100, सो इट्स 91.4। सो गाइस मिड टर्म में मेरी परसेंटेज बन रही है 91.4। आई थिंक इनफ है।
एंड पेपर भी काफ़ी ईजी थे, लाइक काफ़ी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आए हुए थे मेरे, दैट्स वाई मुझसे क्वेश्चन बन गए, बिकॉज मैंने अपनी बार एनसीईआरटी स्किप नहीं करी थी। एंड अभी एनसीईआरटी लाइक मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चन लगा ही लिए हैं, अब मैं थोड़े बाहर के क्वेश्चन भी लगा लिया करूँगा फॉर बोर्ड एग्जाम, बिकॉज ज़रूरी नहीं भाई बोर्ड में सारे एनसीईआरटी के ही आए, इसमें तो लाइक मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही था मेरा पेपर, ये सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड है सारे, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से बाहर के हुए थे, और मैंने एनसीईआरटी के मोस्टली सारे क्वेश्चन लगा रखे थे इन सभी चैप्टर्स के। तो गाइस ये था मेरा स्कोर, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बता के जाना, नए हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नए हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, वी आर सुपर क्लोज टू 4K सब्सक्राइबर, मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखो, राधे राधे।